सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है आजम। इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे कैपेसिटर के कनेक्शन जो है वो रिले के साथ कर सकते हैं और अपने कंप्रेसर को रन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों यहां तक तो आपने देखा ही होगा कि आपके जो यहाँ पर ओवरलोड और रिले जो मौजूद है, आप ये वाली रिले तो शायद आपने यूज़ की ही हो, इसमें हमें कैपेसिटर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ऐसे कनेक्ट इसमें हो जाएगी और यहाँ पर सिंपल एक लाइन यहाँ पर मिल जाएगी, न्यूट्रल फेस यहाँ पर दे दिया और न्यूट्रल इसको दे दी और ये हमारा कंप्रेसर जो है नेशनल का चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक रिले, आप इसको कह सकते हैं कॉइल वाली ये रिले है, और ये रिले जो है दोस्तों इसको हम कैसे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करके हम इसको चला सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगी, यहाँ पर दो पॉइंट आप नीचे देख सकते हैं। तो ऊपर वाला ये जो है ये हमारा कॉमन है, ये ऑलरेडी लगी हुई है यहाँ पर ओवरलोड। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करके कैसे जो है इसके कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तो एक ओवरलोड को तो हमने जो है फेस देना है, यानी कि इस पर तो एक वायर हमारी लगेगी न्यूट्रल या फेस, लेकिन उसके बाद नीचे एक वायर ज़रूर लगेगी। तो कैपेसिटर के साथ कनेक्शन कैसे होंगे ये अभी मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको भी हम विदाउट कैपेसिटर चला सकते हैं। वो कैसे हम चला सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट और उसके अलावा ये वाला पॉइंट, ये और ये पॉइंट एक ही है, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है, अभी कैपेसिटर नहीं लगा इसलिए ये कनेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूँगा चलाऊँगा तो ये चल जाएगा। तो मैं आपको ऐसे इसको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम एक जो है फेस दे देंगे और यहाँ पर न्यूट्रल देंगे, तो यहाँ पर फिर हम इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगा विदाउट कैपेसिटर। ये रिले जो है कैपेसिटर वाली है, लेकिन ये विदाउट कैपेसिटर भी चल जाती है। और साथ में मैं आपको अभी ये भी बताऊँगा कि हम अगर कैपेसिटर लगाकर इसको चलाएंगे कैसे उसके कनेक्शन है और उसका क्या हमें बेनिफिट है, ऐसे में अगर हम कैपेसिटर उसके साथ यूज़ करते हैं तो उसका क्या हमें फ़ायदा है। तो चलिए इसको पहले हम ऐसे ही रन करके देखते हैं, इसको चलाकर देखते हैं अपने कंप्रेसर को। यहाँ पर जो है एक मैंने आपको कहा कि यहाँ पर तो एक लगेगी ही लगेगी ओवरलोड पर, लेकिन एक जो है वो यहाँ पर, अब मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर लगा लें या यहाँ पर लगा लें, ये आप देख सकते हैं कि ये आपस में कनेक्ट है, तो आप जहाँ पर लगाना चाहें इसको आप लगा सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, इसका स्क्रू जो है मैंने लूज़ किया, उसके बाद इसके नीचे मैं इसको वायर को रख कर इसको टाइट कर दिया है। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो जी हाँ, ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर, और अब मैं इसको ऑन करता हूँ, इसकी जो सप्लाई है वो मैं ऑन कर देता हूँ। तो जी हाँ, ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है, आप इसका साउंड जो है वो सुन सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सक्शन डिस्चार्ज दोनों अच्छे से कर रहा है। तो ये विदाउट कैपेसिटर इस वक्त चल रहा है। अब दोस्तों विदाउट कैपेसिटर तो चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मैं इसको अगर ऑफ करता हूं और फौरी ऑन करता हूं तो ये नहीं चलेगा, ये स्टार्ट फौरी नहीं लेगा। अगर हम इसके साथ कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट करते हैं, इसके कनेक्शन करते हैं, इसमें ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर हमें ये बेनिफिट होगा कि हमारा अगर कंप्रेसर ऑफ हो जाता है तो फौरी एक दो सेकंड बाद ही अगर उसको करंट सप्लाई फिर मिलती है तो कैपेसिटर उसको स्टार्ट दे देगा। ये रिले खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होगी जब तक इसके साथ कैपेसिटर ना लगा हो। तो अब हम इसके कैपेसिटर के कनेक्शन इसके साथ करेंगे। अभी मैं इसको ऑफ करता हूं। तो ये मैंने ऑफ कर दिया, अब ऑफ मैंने कर दिया है तो अब हम इसके कनेक्शन जो है वो इसके साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत ही आसान है, बस यहां पर आप इसको समझ लें। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो ठीक है, मेरा ख्याल है यहाँ पर ज़बरदस्त है। तो अब यहाँ पर इसकी दो वायरें हैं, आपको पता है कैपेसिटर की, और उसके अलावा जो रिले है हमारे पास वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हम आसानी के साथ इस पर काम कर सकें। ये तो वायर यहाँ पर लगी रहेगी, ये तो हमने लगानी है यहाँ पर, ओवरलोड ये वाली हो, गोल वाली हो या कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर एक हमने कॉमन जो है वो तो देनी ही देनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन पॉइंट हैं, ऊपर वाला कॉमन,
और ये है रनिंग, ये है स्टार्टिंग। मैंने आपको एक वीडियो में फार्मूला बताया था कि अगर हमारे ऐसे पॉइंट हो, ये ऐसे ही है सेम, एक ऊपर और दो नीचे, ऐसे पॉइंट हो तो हमारी हमेशा ऊपर वाली कॉमन होगी, और जो नीचे वाली है आपकी जो राइट साइड पर है यानी कि ये वाली, ये आपकी हमेशा रनिंग होगी और ये वाली स्टार्टिंग बन जाएगी। अगर ऐसे ही हम इसको इस तरह कर लें तो दोस्तों ये फार्मूला आप नोट कर लें, अगर ऐसे हो कॉमन है ये वाली स्टार्टिंग है और ये वाली रनिंग है, अगर हम इसको ऐसे ही ऊपर कर लें तो वही हमारी ऊपर आ जाएगी, कॉमन यानी कि नीचे चले गई और जो रनिंग थी वो ये आ गई, इस तरह में रनिंग ये थी, ऐसे में भी रनिंग ये आ गई, स्टार्टिंग ये हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आप समझ गए होंगे। अब ये तो हमने यहाँ पर लगाना ही लगाना है, कनेक्शन जो है वो हमने असल में इसके करने हैं। अब हमने इसमें कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट करना है, अगर तो आपका ये जैक जो है ये नहीं लगा हुआ तो आप इसको कट कर दें। अब इसको मैं कट करने वाला हूं, तो इसको कट हम करेंगे, जी हाँ, यहां से मैंने इसको कट कर दिया और इसके अलावा मैं इसको यहां से भी कट कर दूंगा। अब यानी कि हम इसको विद कैपेसिटर कनेक्शन बनाएंगे इसके, कि ये कैपेसिटर के साथ वर्क करेगी रिले, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो ये एक पॉइंट तो हमने कट कर दिया है, ये दूसरा वाला भी कट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर ऐसे अब आप चलाएंगे तो ये कंप्रेसर आपका कभी भी नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर हमने इसके कनेक्शन करने हैं, बहुत ही इजी है। अब मैंने आपको ये यहाँ पर जो असल में नोट करवाना था कि आप इस चीज़ को नोट कर लें कि आपने ऐसे इसको अभी चलाया था, हमने बिल्कुल ऐसे इसको, ये कनेक्शन थे इसके ऐसे में, तो ये और ये हमने इसको न्यूट्रल फेस दी और ये चल गया। अब ये यहीं पर लगी रहेगी, ये यहीं पर लगी रहेगी, सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर ये आपकी नहीं भी लगी तो आप नोट रख ले अपने जेहन में, याद रखें कि रिले जो है कैपेसिटर के साथ हमने फिर जो रिले वाली जो है वायर वो हमने रनिंग वाली साइड पर लगानी है, यानी कि जहां पर अब लगी हुई है तो रनिंग वाली साइड पर ही लगी हुई है। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर की दो वायरें हैं हमने सिंपल आसानी के साथ, इसमें कोई भी हमने वायर ट्रेस नहीं करनी कि इसमें कोई माइनस प्लस हो या कोई भी इधर उधर लगानी है, आप दोनों वायरें जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और उसके बाद हम इसको फिर दोबारा टेस्ट करेंगे चलाकर। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और अब हम इसके कनेक्शन जो है वो यहाँ पर भी हम कर लेंगे। तो मैं कैपेसिटर की जो वायर है वो कट करके इसके साथ अच्छे से कनेक्ट कर दूंगा और हमारे कनेक्शन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही इजी कनेक्शन है, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप एक बार करेंगे, एक बार खुद ट्राई करेंगे तो ये कनेक्शन आप अपने माइंड में सेव कर सकते हैं, समझ जाएंगे आप इजीली। तो ये जो है मैं ये यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ये वायर जो है ये हमने कनेक्ट कर दी है। अब दूसरी वायर जो है हमने यहाँ पर न्यूट्रल के साथ ही कनेक्ट करनी है। अब इस स्क्रू को भी मैं थोड़ा सा लूज़ करूँगा और इसको इसमें एडजस्ट कर दूँगा, आप इन दोनों को इकट्ठा भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को यहाँ पर जो है हमने एडजस्ट कर देना है, तो हमारे कनेक्शन जो है कैपेसिटर के साथ इसके मुकम्मल हो जाएंगे। और अब हम इसको फिर टेस्ट करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और इसको हम फौरी स्टार्ट देकर भी देखेंगे। यहाँ पर हमने रिले के कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कि हमने कैपेसिटर की दो वायरें जो है वो एक एक साइड पर और जो हमारी एक न्यूट्रल थी वो इस साइड पर ऑलरेडी लगी हुई है, हमने यानी कि ये दोनों एक साइड पर लगानी है। अब मैं आपको ये भी आपको यहाँ पर गाइड कर दूं कि आपके पास कोई भी कंपनी का कंप्रेसर है, डैनफोर्स नेशनल या कोई भी, तो उसकी ओवरलोड रिले जो है, जो कैपेसिटर वाली रिले है, कनेक्शन आपके सेम ऐसे ही होंगे, जैसा कि एक एक साइड पर हमने वायर कैपेसिटर की और एक दूसरी साइड पर, और यहाँ पर जो हमारी यानी कि इन दोनों में जोन से भी हमारी यहाँ पर जो हमारी रनिंग होगी उसके साथ हमारी न्यूट्रल लगेगी, ये एक एक साइड पर कैपेसिटर की लाजमी लगेगी और न्यूट्रल जो है वो एक साइड पर लगेगी जिस साइड पर न्यूट्रल होगी। अब हमारी इस साइड पर न्यूट्रल है, हमने यहाँ पर न्यूट्रल लगा दी, अगर इस साइड पर होती तो हमने यहाँ पर ये लाइन जो है ये यहाँ पर यूज़ करनी थी। आपका कोई भी कंप्रेसर है कंपनी का, ये आपको उसमें चेंज देखने को मिलेगी, इसका स्टाइल शेप अलग से आपको देखने को मिलेगा, डिज़ाइन इसका रिले का, लेकिन कनेक्शन आपके सेम ऐसे ही होंगे। और यहाँ पर इसके अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं चलाकर।
तो जो रिले है इसको मैं यहाँ पर इसमें एडजस्ट कर देता हूँ। तो अब हम इसको चलाकर टेस्ट करेंगे और इसको मैं ऑन करके फोर ही ऑफ करके फिर ऑन करूंगा और फिर ऑफ करके फिर ऑन करूंगा, यानी कि फोर ही देखेंगे स्टार्ट लेता है कि नहीं, क्योंकि हमने अब इसके साथ कैपेसिटर लगाया हुआ है। कनेक्शन आपने देख लिए हमारे कंप्लीट हैं। इसको चलाने से पहले आपको मैं एक और चीज़ जो है वो क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर हमें कंप्रेसर में कौन सा कैपेसिटर यूज़ करना चाहिए, कौन सा कैपेसिटर जो है किस पावर का लगता है रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80-110 MFD आपको इसकी पावर जो देखने को मिल रही है, यानी कि 80-110 का ये कैपेसिटर है। आप कह सकते हैं कि आधी का कैपेसिटर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को यूज़ होता है। मोस्टली ज़्यादातर जितने भी कंप्रेसर हैं उनको 80-110 का ही कैपेसिटर यूज़ होता है। इसमें ये नहीं होता कि एक बड़ा 4 का है, 5 का है या 6 का है तो उसमें ये पावर आगे पीछे होगी, नहीं, इसको 80-110 का ही मोस्टली जो है कंप्रेसर को इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं करने वाला हूँ इसको स्टार्ट, तो देखते हैं क्या बनता है इसका। तो आप साउंड से समझ जाएंगे कि ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको मैं अभी सप्लाई जो है इसकी मैं ऑन कर देता हूँ। जी हाँ, ये ऑन हो चुका है इस वक्त। तो जो प्रेशर है वो इसका सही से बन रहा है। अभी मैं इसको ऑफ करूँगा और फिर से ही मैं इसको ऑन कर देता हूँ अभी से ही। तो जी हाँ, मैंने इसको ऑफ करके ऑन किया तो ये फिर ऑन हो गया, यानी कि इसका कैपेसिटर लगाने का जो मकसद है आपने देख लिया। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। जी हाँ, फिर से ऑन हो गया। आप इसका साउंड भी चेक कर सकते हैं और प्रेशर भी यहाँ से बहुत ही अच्छे से आ रहा है। तो ऑफ़ करने से फौरी ऑन करने, यानी कि ये कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, लाइट की प्रॉब्लम होती है, या वैसे भी आप अपने वैक्यूम पम्प या किसी चीज़ के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, इसमें कंप्रेसर के जलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर इसको फौरी करंट कट आउट होकर फौरी मिलता भी है इसको दोबारा करंट, तो कैपेसिटर इसको स्टार्ट कर देता है और ये रनिंग में आ जाता है। तो आई होप आपको, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको कुछ न्यू जानने को मिला होगा और आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटर के साथ रिले के कनेक्शन कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हम इसको रन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।